हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज एक छोटी सी प्रॉब्लम हुई थी जिसका सलूशन तो हो गया, तो मैंने सोचा कि वो जानकारी आपके साथ भी शेयर कर दी जाए। ये हमारी 9 साल पुरानी वीडियो कॉन की वॉशिंग मशीन है, जिसमें से ड्रेन का प्रॉब्लम हो गया था। इसमें से पानी नहीं निकल रहा था, तो हमेशा जब भी जो सेमी वाली जो वॉशिंग मशीन होती है उनको क्लीन करने का एक ही तरीका होता है कि आप बैक साइड से इसे खोल लीजिए और इधर यहाँ पे जो भी कचरा होता है वो इस पे अटका हुआ रहता है हमेशा। पर हम इसे खोलते हैं और इसे क्लीन कर देते हैं, लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम ये हुई कि एक पेंच तो इसका खुल गया था, बाकी के जो दो पेंच हैं इन पेंचों में जंक लग गया है। ये देखिए, तो ये जो इसकी आँख होती है पेंच की, इनमें कोई भी पेचकस वगैरह कुछ लग नहीं रहा था, तो ये खुल नहीं रहे थे। तो हमने बहुत टाइम वेस्ट करा, बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे वीडियोस भी देखे कि कैसे खुलेगा, पर ये खुला नहीं, सिर्फ एक पेंच खुला। अब हम इसे ज़बरदस्ती खोलते तो ये टूट जाता। तो फिर हमने क्या करा, एक सिंपल सा टेक्निक, ये देखो यहाँ पे थोड़ी सी जो ये गैप है, इस गैप से ये हार्पिक का जो ये बाथरूम क्लीनर आता है वो थोड़ा सा डाला, और उसके बाद हमने यहाँ अंदर इसके वो चारों तरफ से निकाल करके उधर से भी हमने थोड़ा सा इसे डाला, और हार्पिक क्लीनर डालने के बाद थोड़ी देर गर्म पानी हमने डाल करके इसे होल्ड कर दिया गर्म पानी को इसके साथ, और इसे ड्रेन से हटा दिया। थोड़ी देर गर्म पानी में रखने के बाद हमने इसे वापस ड्रेन में घुमाया, जिससे कि ये सारी की सारी गंदगी निकल के आ गई, और 2 मिनट में हमारी मशीन बिना पेंच खोले ही साफ़ हो गई। ये देखो आप कितनी सारी गंदगी, ये सब जो कपड़ों के साथ इकट्ठा हो जाती है, सारी मशीन के साथ निकल के बाहर आ गई। तो अगर किसी की मशीन में पेंच जंक खा गए हों और ये आपका पार्ट नहीं खुल रहा हो, तो ये टेक्निक एक बार आजमा के देखिएगा, जिससे कि हो सकता है आपकी मशीन ठीक हो जाए। हमारी तो हो गई, क्योंकि हमें एकेश्वर में कोई मिल नहीं रहा था। फाइनली इतनी देर के बाद ये टॉयलेट हार्पिक क्लीनर, जो फ्लोर्स के लिए भी यूज़ करते हैं और वैसे जो ब्लू वाला होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, वो डालने के बाद तेज गर्म पानी इसमें थोड़ी देर डालने के बाद इसे थोड़ी देर होल्ड करने के बाद में आप ड्रेन करो, तो हमारा ये सारा कचरा निकल के आ चुका है। उसके बाद हमने इसमें कम से कम एक बाल्टी पानी डाला और इसे अच्छे से हमने साफ़ कर दिया, और जिससे कि हमारी मशीन पूरी साफ़ हो गई, और अब जो पानी है ये पूरा अच्छी तरह के से बाहर निकल गया है। तो अगर किसी की वीडियो कॉन वाली सेमी मशीन में प्रॉब्लम आए, या फिर जो भी वीडियो कॉन मतलब और भी वॉशिंग मशीन होती हैं सेमी वाली, तो आप इस तरीके को यूज़ करके देखना, अगर ये जंक वाली प्रॉब्लम आपके मशीन में आ रही हो और ये पार्ट आपको नहीं खुल रहा हो तो। और वीडियो अगर अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।